भवानी मंडी के वार्ड नंबर 34 पुराने कब्रिस्तान में टीन शेड लगाने का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने किया। हाफिज सलीम ने फातिहा पढ़कर काम का आगाज करवाया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली के अनुसार कब्रिस्तान में लगभग 50 फीट का टीन शेड लगाया जाएगा, जिससे बारिश गर्मी आदि मौसम में परेशानी नहीं होगी। स्वर्गीय सतनाम कौर चावड़ा की 25वीं पुण्यतिथि पर उन हॉस्पिटल द्वारा फ्री आई चेकअप ऑपरेशन शिविर लगाया। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने बताया कि शुभारंभ छाबड़ा के चित्र पर माल्यार्पण व अरदास कर हुआ। छाबड़ा के सुपुत्र हरदीप सिंह छागड़ा व इंद्रजीत सिंह छाबड़ा द्वारा उन हॉस्पिटल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी रूपम श्रीवास्तव, डॉक्टर राहुल महला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी, मैनेजर ऑपरेशन ईशा भटनागर, जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला व नर्सिंग स्टाफ का स्वागत किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी ने बताया कि एक सर्वे के मुताबिक 2022 में लगभग 1.5 करोड़ व्यक्तियों में मोतियाबिंद व अंधता पाई। इसी प्रकार 2021 में 3 लाख बच्चों में अंधता मिली। यह सभी मरीज इलाज योग्य थे, जिन्हें उपचार के बाद ठीक किया जा सकता था। शिविर में 180 से अधिक मरीजों को निशुल्क परामर्श मिला। वहीं 30 से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया, जिनका निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी रूपम व डॉक्टर राहुल महला द्वारा जाँच की गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आप पार्टी इकाई डग ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम गंगधार को ज्ञापन सौंपा। यूथ विंग जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, केंद्र सरकार के इशारे पर स्वतंत्र पत्रकारों, मीडिया के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उन्हें राज्यसभा से निष्कासित करने की द्वेषपूर्ण राजनीतिक भावना से भारतीय लोकतंत्र तोड़ने, उसकी एकता को ध्वस्त करने का कार्य कर रही। जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और उसकी 2 राज्यों में सरकार है, तब से केंद्र सरकार लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे फर्जी मुकदमों में फंसा कर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये सब कहा जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल ने। अवैध देसी पिस्टल, देसी कट्टे, कारतूस बनाकर बेचने वाला 5 साल से फरार आरोपी दान सिंह को भवानी मंडी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम के विरुद्ध मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में अवैध देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बनाकर बेचने के कई प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के बताए अनुसार अपराध पर रोकथाम लगाने व बदमाशन की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भवानी मंडी टीम द्वारा 6 अक्टूबर को अवैध हथियार, देसी पिस्टल, देसी कट्टे, कारतूस बनाकर बेचने वाले 5 साल से वांछित फरार मुलजिम दान सिंह भाटिया उर्फ दानी सिंह उर्फ सरदार सिंह पुत्र गुलजार सिंह भाटिया, जाति सिकलीगर सिख, उम्र 45 साल, निवासी 20 खोली मोहल्ला सिंगाना, थाना मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश को उप कारागृह बागोड़िया, जिला बड़ोदरा, राज्य गुजरात को प्रकरण में अनुसंधान कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है।